नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करके आप एक अच्छी सेल्स तो जनरेट कर सकते हो, लेकिन कभी भी उस बिजनेस को एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना सकते। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एस्टेब्लिश्ड ब्रांड के प्रोडक्ट में बहुत कम मार्जिन्स होते हैं, और इतने कम मार्जिन्स में मार्केटप्लेस की फीस बियर करना, शिपिंग फीस बियर करना और रिटर्न को टैकल करना पॉसिबल ही नहीं है। और इसी वजह से कई सारे ई कॉमर्स सेलर्स शुरुआत में जब ब्रांडेड प्रोडक्ट से सेल करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी खासी सेल्स तो जनरेट हो जाती है, लेकिन एक टाइम पीरियड बाद वो फील करते हैं कि उन्हें सेल तो आ रही है लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है पेमेंट को लेकर। क्योंकि जब उन्हें ऑर्डर्स के पेमेंट मिलने लगते हैं तो उन्हें एक टाइम बाद फील होता है कि वो अपने इस ई कॉमर्स बिजनेस में अच्छे खासे लॉस में आ गए हैं, और इसका रीजन ये है कि इसमें मार्जिन्स बहुत कम है, उन्होंने प्रॉपर कैलकुलेशन शुरुआत में की नहीं है और इस वजह से अब उनका ई कॉमर्स बिजनेस लॉस में जा चुका है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि अगर आप एस्टेब्लिश ब्रांड के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और किसी भी वजह से फ्यूचर में आपके ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर ब्रांड ओनर से अच्छे टर्म्स नहीं रहे और वो आपको फ्यूचर में स्टॉक ही प्रोवाइड नहीं कर रहा, या फिर फ्यूचर में हो सकता है कि प्रोडक्ट के मार्जिन और कम हो जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि जिस ब्रांड के प्रोडक्ट आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं उसमें मैपिंग होने लगे या फिर मल्टीपल सेलर्स उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग में आ जाएं जिससे आपको मार्जिन्स और कम करने पड़े और कहीं ना कहीं कंपटीशन इतना बढ़ जाए कि आपकी सेल्स काफी इंपैक्ट होने लगे। तो ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से अगर आप सिर्फ एस्टेब्लिश ब्रांड के प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हो तो आप कभी भी एक स्टेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना सकते। तो शुरुआत में आप सिर्फ अपने मार्केटप्लेस पर अकाउंट की विजिबिलिटी के लिए या फिर मैं कहूं थोड़ी सी सेल्स के लिए आप डेफिनेटली ब्रांडेड प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्राइवेट लेबल ब्रांड से शुरुआत करोगे तो आपको बिल्कुल भी ऑर्डर्स नहीं आएंगे। क्योंकि हो सकता है ना, आज मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड के प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, अब मुझे डेली के एक दो ऑर्डर बन रहे हैं क्योंकि मेरे ब्रांड के बारे में कोई जानता तो है नहीं, धीरे धीरे मेरे ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ेगी, मेरे को मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो शुरुआत के 3-4 महीने में हो सकता है मेरे को दिन का एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर ऐसे ही आ रहे हैं। तो ऐसे अगर मुझे ऑर्डर्स आते रहेंगे तो कोई भी सेलर जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूं कि आपको जो शुरुआत करनी है ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस की, हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट से करनी है, लेकिन साइड बाय साइड आपको प्राइवेट लेबल ब्रांड को ग्रो करना है। जब हम अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड से प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हम अपने हिसाब से टर्म्स डिसाइड कर सकते हैं अपने ब्रांड के, हम अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट पर मार्जिन्स रख सकते हैं, और कोई भी और सेलर हमारी लिस्टिंग में मैपिंग नहीं कर सकता। हम एक अकेले सेलर होंगे जो कि उस ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक ई कॉमर्स सेलर के लिए शुरुआत में एस्टेब्लिश्ड ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करना कितना जरूरी है, और इसी से उस ई कॉमर्स सेलर का अपने बिजनेस में अटेंशन बना रहेगा क्योंकि उसे कुछ सेल आती रहेगी, लेकिन उससे वो फ्यूचर में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट नहीं कर सकता, और इसीलिए उसे प्राइवेट लेबल ब्रांड को रजिस्टर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे कि वो फ्यूचर में एक लॉन्ग रन में एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट कर सके। अब जब एक बार किसी ई कॉमर्स सेलर ने अपना मन बना लिया कि उसे अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड से प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, मीशो पर या फिर किसी और मार्केट प्लेस पर, तो उसके बाद उसे ट्रेडमार्क रजिस्टर करना होगा, और उसके लिए सबसे पहले उसे ब्रांड नेम सोचना पड़ेगा। ब्रांड नेम सोचने के बाद उसे यह देखना पड़ेगा कि किसी और सेलर ने उसे रजिस्टर तो नहीं करा रखा। कैसे एक ई कॉमर्स सेलर ब्रांड नेम सोच सकता है, कैसे वो ये पता कर सकता है कि वो ब्रांड नेम किसी और सेलर ने रजिस्टर तो नहीं करा रखा, कैसे ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया जाता है, ये सभी बातें एक ई कॉमर्स सेलर को आनी चाहिए, और इस सीरीज में हम उसे ही सीखने वाले हैं। तो आप मेरी सीरीज के साथ बने रहिए और आगे आने वाले वीडियोस में आप इन सभी टॉपिक्स को समझ जाओगे और आप खुद से ही अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा पाओगे। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में है, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस से जुड़ी वीडियोस लाता रहता हूं। तो फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं, थैंक यू।